अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये एक आइसक्रीम बनाने वाली मशीन है, ठीक है दोस्तों। तो इसके सेंसर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, अगर सेंसर एरर आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। अभी देखें दोस्तों, ऐसे ऑन करता हूँ। अभी देखें दोस्तों, ये बराबर चल रही है, इसमें कोई एरर वगैरह शो नहीं हो रहा, ठीक है। यही मैं इसके सेंसर के लिए देखें, ये लाइट लिक्विड कर रही है, यही मैं इसके सेंसर के आगे ला देता हूँ। वो देखें, लाइट जो ब्लिंकिंग थी वो ख़त्म हो गई है। अभी कुछ देर के बाद ये देखें, ये एरर आना शुरू हो गया दोस्तों, और ये लाइट भी ब्लिंकिंग करना ख़त्म हो गई, वो देखें, ठीक है दोस्तों। और इधर देखें, ये LL एरर शो कर रहा है और साथ में सेंसर लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये डिस्प्ले पे सेंसर और LL का जो एरर है दोस्तों, वो सेंसर का है। और दूसरी बात दोस्तों, ये देखें, ये पुली घुमाने से भी ये देखें ये कट ऑफ होना चाहिए। ये पुली की सेफ्टी के लिए, अगर किसी वजह से मोटर बंद हो जाए या पुली में या बेल्ट टूट जाए या ये जाम हो जाए, किसी वजह से पुली बराबर ना चले दोस्तों, तो ये एरर आ जाएगा इसमें। और इसके ये जो देखें दोस्तों, इसमें दोस्तों ये सेंसर लगा हुआ था, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये सेंसर था जो यहाँ से ख़राब हो गया। फिर मैंने इसमें दूसरा सेंसर इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये देखें, ये सेंसर है दोस्तों, ये इस पीसीबी में दोस्तों, ये इसका ग्राउंड है, ये इसका पॉजिटिव, और ये इसका जो सेंस होके वापस आएगी पुली से, वो वायरें हैं। ये इसकी पीसीबी में है, मैं इसकी पावर बंद कर देता हूँ। ये मैंने पावर इसकी बंद कर दी। ये ग्रिप है दोस्तों इसका सेंसर का, ठीक है। ये पीसीबी आप देख लें अच्छे से, कभी भी ये प्रॉब्लम आए, एरर आए, तो ये सेंसर का प्रॉब्लम है दोस्तों। और दूसरा, ये कभी कभी ये आईसी जो लगा हुआ है इसमें, जो डायरेक्ट इसका सेंस से एक ट्रांसिस्टर लगा के आगे लगा हुआ है, तो वो आईसी भी दोस्तों इसमें ख़राब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सेंसर एक दफ़ा फिर देख लें कैसे वर्क करता है। जो ही ये पुली, ये एक ख़ास जगह पुली की मैग्नेट यहाँ लगा होता है, किसी में लगा होता है, किसी में सिर्फ खाली जगह होती है दोस्तों। ये देखें, अभी आएगा वो, सॉरी मैंने पावर बंद की हुई थी, ये मैंने पावर ऑन कर ली। ये देखें, रेड लाइट सेंसर की शो होना शुरू हो गई, ये देखें दोस्तों, ये चीज़ होनी चाहिए इसमें। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो थोड़ी देर के बाद ये ट्रिपिंग हो जाएगी और टिंटी की अलार्म आएगा इसमें, और आगे एरर LL का शो होगा और साथ में सेंसर भी लिखा होगा दोस्तों।